असलम गाइज क्या आप लोगों को सैमसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी अल्ट्रा पसंद है क्योंकि वो मेरा फेवरेट फोन है अब मैं ले तो नहीं सकता तो इसलिए मैं ब्लेंडर पे मॉडल करूंगा लेकिन हो सकता है मैं फ्यूचर में ले भी लूँ सो लेट्स स्टार्ट मॉडल दिस मोबाइल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो

इन केस अगर आपको पता नहीं लगा कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं मैं इसकी थिकनेस भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं भी टू ताकि ज्यादा बेहतर विजिबल हो और राइट right. अब हम इमेजेस ऐड करते हैं तो मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया था सैमसोंग फोन ब्लू प्रिंट सही है तो आपके सामने जो भी मर्जी आपने फोन लेना है आप वो उसका ब्लू प्रिंट ले सकते हैं मैं आपको सब सिखा रहा हूँ कि हम लोग मॉडल कैसे करते हैं तो आपने बस मॉडल वैसे ही करना है बस आपने थोड़ी सी शेप चेंज करनी है अपनी फोन की जो आपने सेलेक्ट किया है ओके okay. तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सेस पे जाऊंगा आप किसी भी एक्सेस पे चले जाए ओके okay. उसके बाद आपने जहां पर भी यानी वो इमेज सेव की होगी मेरी ही. है उसको मैं इसको देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा लाइक दिस और अब मैं Alt, G प्रेस कर दूंगा ताकि इसकी जो लोकेशन है वो हो जाए। right. तो अब इस तरह कर दूंगा ताकि ये जो है फोन वो साइड से दिखे यानी एक्स एक्सेस से तो अब मैं जरा इसे बिल्कुल मिडिल करने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेशक परफेक्ट ना हो बस रफली आपको जो हेल्प कर सके तो मेरे लिए यही सही है उसके बाद मैं इसे पीछे कर दूंगा थोड़ा टेन माइनस और राइट उसके बाद मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा और जी दोबारा प्रेस करूंगा फ्रंट व्यू पे जाऊंगा और 90 डिग्रीज रोटेट करूंगा माइनस नाइन्टी डिग्रीज तो अब आप देखें हमारा जो फोन है वो उसकी बैक इस साइड पे जा रही है एक्स एक्सेस पे तो फ्रंट व्यू पे अब आप देखें तो हमें फ़ोन का फ्रंट व्यू लाना है अगर हम यहाँ बैक व्यू लाएंगे तो वो नारा नाराज़ कह रहा हूँ तो वो गलत हो जाएगा फ़ोन भी नाराज़ हो जाएगा तो अब यानी ये, ये देखिए ये जो साइड है ये इस साइड पे जा रही है जो कैमरा है फोन का तो यानी हमने फ्रंट जो है स्क्रीन उसे इस साइड पे लाना है ओके okay. सो so, अब ये करने के लिए सिंपली हमने रोटेट करना है मैं सिर्फ आपको समझा रहा था ओके okay. अब ये रोटेट तो हुआ हुआ है पहले से बस हमने इसे अलाइन करना है समथिंग लाइक दिस बस बिशअप फुल परफेक्ट ना हो बस आप जो रफली आपको जो हेल्प कर सके मैं इतना कर रहा हूँ okay. ओके इसके बाद भी मैं इसे टेन पीछे कर लेता हूँ यानी आपने सिर्फ जी वाई और टेन सर्च कर लेना है उसके बाद अब मैं इसे दोबारा डुप्लीकेट करूंगा और जी दबाऊंगा और उसके बाद मैं इसे वाई एक्सेस पे ले आऊंगा माइनस टेन अब आप देखिए जब मैं इसे सेंटर में करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे आगे ये आ रहा है यानी दूसरी इमेज आ रही है हालांकि मैं ये नहीं चाहता तो मैं इमेजेस को सेलेक्ट करूंगा यहाँ सेटिंग्स में जाऊंगा और साइड को मैंने यहाँ से फ्रंट पे कर देना है अब आप देखिए ये तो गलत हो गया कि हम चाहते हैं कि ये वाली साइड दिखे लेकिन ये वाली साइड ना दिखे तो अब जब हम इसे बैक पे करेंगे तो अब आप देखें जब मैं माइनस वाई एक्सेस पे जाता हूँ तो ये यह यहाँ से नहीं नजर आएगा और ये आएगा सेम फॉर दिस अब हम इसे बैक पे कर देते हैं नहीं सॉरी फ्रंट पे और राइट right. और इसे भी फ्रंट पे कर देते हैं और राइट right. और यहां से मैं ओनली एक्सिस अलाइन पे जब क्लिक करूंगा तो वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी इमेज लेकिन जब हम उस एक्सिस पे जाएंगे तब वो इमेज दिखेगी सो आई लाइक दैट और इस पे मैं सेम वही कर देता हूं ओनली एक्सिस अलाइन अब आप देखें कि ये हमें अब सही नजर आ रहा है ओके okay, अब मैं इसे भी सेंटर में करने की कोशिश करता हूँ समथिंग लाइक दिस में भी और उसके बाद आप सेव कर लीजिएगा ओके तो मैंने इसे सेव कर लिया सो so, अब हमने सिंपली इस इमेज को करना है डुप्लीकेट जी एक्स ट्वेंटी और राइट right. अब हम इसे सिंपली थोड़ा सा इधर कर लेते हैं वैसे हमें इसकी जरूरत तो नहीं है मतलब इस, इस वाले एक्सेस की क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास यानी एक साइड जब है तो हमें दूसरी साइड की क्या जरूरत होगी लेकिन चले फिर भी मैंने कर दिया यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बता देता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला एक्सेस यहाँ शो कर रहा है तो मतलब हमें अब दूसरा एक्सेस नहीं चाहिए एक सेकंड ये क्यों नहीं दिख रहा ओके ये दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा ये, अच्छा मैंने इसको बैक पे करना है अब जब मैं जाऊंगा यस तो चले कोई नहीं फिर भी मैंने कर लिया या फिर मैं इस वाले को यानी फॉर एग्जाम्पल अगर तो हमारा फ्रंट माइनस वाइ पे है और एक्स पे ये है तो मैं यानी जो ये वाली मैं इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वैसे चाहिए नहीं आप लोग रख सकते हैं अब मैं इनके नेम करता हूँ ये साइड व्यू है तो मैं बस साइड लिख लेता हूँ All right और ये हाँ कौन सी है फ्रंट नहीं ये बैक है एंड ये फ्रंट है और right तो अब सबसे पहले मैं एक क्यूब ऐड करूंगा ओके okay. और इस क्यूब को हम रफली स्केल कर देते हैं अच्छा अब आप अगर नोट करें तो ये परफेक्टली सेंटर में नहीं है बस रफली ही है लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होगा तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ लाइक like, यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री या फिर माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव और राइट दिस इज आई गेस सही है ओके okay, अब जेड एक्सेस पे हम इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं बिल्कुल यहाँ एज तक करना है क्योंकि ये दूसरा जो कर्व है ये बेसिकली स्क्रीन है right, और राइट और एक्स एक्सेस पे अब हम जाते हैं अब मैं जाता हूँ एक्सरे मूवी में और इसको मैं वाई एक्सेस पे भी काफ़ी छोटा कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस वुड वर्क और तो अब हमारा फोन बन गया जस्ट क्रिंग अभी तो स्टार्टिंग है ओके okay, बट कंग्रेचुलेशन फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया मोबाइल की शेप बन गई और राइट right, अब हम थोड़े से बेबल्स ऐड करते हैं आई नो ये थोड़ा जल्दी नहीं करना चाहिए हमें लेकिन स्टिल मोबाइल की अगर हमने शेप करनी है क्योंकि आपको तो पता है सैमसंग गैलेक्सी जो है 23 थ्री अल्ट्रा ये थोड़ा यानी बड़े जबरदस्त किस्म का लेकिन थोड़ा चेंज मोबाइल है बाकी सब मोबाइल्स की शेप से काफी चेंज है इसमें काफी बेवल्स हो रही है तो अगर हम फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम मतलब हमने फर्स्ट स्टेप यही किया ना कि इसकी बॉडी बनाई है यानी ये क्यूब तो हमें फिर बेवल करके बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी तो अब सिंपल है ये बहुत ज्यादा सिंपल बहुत ज्यादा है तो अच्छा अब मैंने ना काफी सारी

ली है गूगल से ताकि मुझे थोड़ा आइडिया फॉर एग्जाम्पल एक इमेज ये है इस पे यानी देखें ये मुझे पता चल रहा है कि ये पेवल किस तरह यहाँ से है ऊपर ये देखें बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास जितनी इमेजेस होंगी उतना अच्छा आपका काम होगा अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है की ये वाला कर्व है फिर तो इस तरह की ये इमेज है ये देखिए यहाँ पर भी कर्व, का, भी कर्व का का, और यहाँ पर भी कर्व का भी पता लग रहा है बटन्स का भी और ये ऊपर देखिए स्क्रीन किस तरह ये हो रही है अब हमारी स्क्रीन बेशक फुल इस तरह नहीं होगी लेकिन स्टिल काफी क्लोज होगी सो इस तरह की बार -बार होगी अच्छा, तो हो लेकिन ये मैं स्क्रीन पे सेट कर रहा हूं। तो आप भी अगर आपके पास दूसरी स्क्रीन नहीं है तो कोई बात नहीं बस आपने बार बार ये इमेज फिर खोल के देखनी है क्योंकि बहुत मजेदार इन्फॉर्मेशन मिलती है और तीसरी इमेज तो हमारे सीन के अंदर ही है अब जो है बेवल करता हूँ मैं सबसे पहले हम करते हैं बेवल जी इसको इन सब को ए कंट्रोल बी या फिर मैं इस पर मॉडिफायर लगाता हूँ अब जब मैं बेवल मॉडिफायर लगाऊंगा तो अब ये देखिए सही बेवल नहीं हो रहा मतलब नॉट टू गुड तो मैं इस कंट्रोल ए और अप्लाई स्केल पे जब क्लिक करूंगा और अब जब मैं बेवल करूंगा तो अब काफी बेहतर है ये देखिए बल्कि बेहतर कुछ ना परफेक्ट है तो अब मैंने इसे कर देना है तकरीबन इतना नहीं जीरो सेगमेंट्स भी मैं कर देता हूँ फाइव शेड ऑटो स्मूथ फिलहाल के लिए कर लेते हैं ओके okay. उसके बाद में इस इस चार वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और अब आकर मैं इसे बेबल करू फॉर एग्जाम्पल नो और राइट ओके अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली साइड फुल करो हो, हो रही है जो कि मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ यानी ये या आप देख सकते हैं बिल्कुल कर्व है, सिलेंडर की तरह ओके okay. मैं ये इसको जूम आउट कर देता हूँ ओके okay. तो मैं देखता हूँ कि हमारा बेबल नहीं सही है ये सही बेबल नहीं है क्यूब को मैं करता देता हूँ पी यानी फोन डॉट बॉडी फोन की बॉडी जाएगी और राइट ओके अब मैंने बेवल थोड़ा सा कम करना है समथिंग लाइक like, the, मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता जीरो पॉइंट जीरो थ्री अब मैं ये चारों को सेलेक्ट करता हूँ और रफली मैं इसको तकरीबन कितने सेगमेंट्स दूँ पांच ही दे देते हैं हम फिलहाल अब देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है सो so, अब देखिए हमारी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और राइट तो अब आप कंट्रोल एस दबा दीजिएगा ये की फ्रेम कर लूँ मैं alright, -S आपने दबा देना है चले ये तो हो गया गुड अब हम स्क्रीन पे आते हैं स्क्रीन को वैसे ही करने की कोशिश करते हैं और राइट हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर लूप कट ऐड करके आई गेस लेट्स ट्राई इसको यहाँ पर करके कंट्रोल बी बट विद नो सेगमेंट्स तकरीबन यहां तक मैं ले आऊंगा इसे समथिंग लाइक दिस ओके अब मैं थ्री प्रेस करूंगा ओके okay, मैं अपनी इमेज में देखता हूँ अच्छा यहाँ आधा कर्व है इसमें यानी इसको मैं जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से मैं वन टू थ्री यप और यहाँ से भी वन टू थ्री मे बी अभी के लिए यही सही है इसको मैं कर देता हूँ शिफ्ट डी पी सेलेक्शन या फिर शिफ्ट डी नहीं सिर्फ पी सेलेक्शन करते हैं ये अलग ये अलग तो हमारी स्क्रीन को मैं देता हूँ सलूडीफाइ मोडिफायर एक सिंपल सा सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए बेवल कितनी सेगमेंट्स दूँ मैं यहाँ पर जाता हूँ सेटिंग्स में इसको मैं करता हूँ जीरो पॉइंट ज़ीरो वन जीरो और सेगमेंट्स कर देते हैं फिलहाल के लिए थ्री या फाइव फाइव चलिए इस पर मैं करता हूँ सुलडिफाई मॉडिफायर शेड ऑटो स्मूथ और सुलडिफाई मॉडिफायर भी बहुत कम देना है ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव नहीं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन या फिर ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो फाइव आई गेस दिस इज़ ओके मैं इसे सिंपली कर देता हूँ शेड ऑटो स्मूथ द स्क्रीन इज स्मूथ और राइट अब यहाँ सबसे पहले तो मैं ऐड करता हूँ एक लूप कट और इसे बस एज इट इज़ छोड़ देना है जैसे ये है या फिर थोड़ा सा आइगेस सुपर कर लेते हैं इसे मैं करता हूँ माइनस जीरो माइनस जीरो पॉइंट फाइव बस ओके इट्स नाइस ओके अब हम सिंपल से कैमरास की तरफ आते हैं तो मैं जाता हूँ माइनस वाई नहीं वाई पे सिलेंडर्स uh, हम ऐड करेंगे सिलेंडर्स 90 डिग्रीज इसको बस हमने ऐसे रोटेट करना है और हाँ y एक्सेस पे भी इसे मैं काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर देता हूँ और सॉरी स्केल कर देता हूँ इसे यहाँ ऊपर लाते हैं रफली अलाइन करना है हमने इसे मे बी दिस आई गेस थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेना चाहिए ये बस ये इतना मोटा जो है ये बस आउटलाइनिंग है ओके समथिंग लाइक आई गेस दिस वुड वर्क फॉर नाउ ओके अब मैं इसे कर लूँगा एक्स एक्सेस पे दिस इज़ नाइस और मैं आई गैस इसे थोड़ा सा स्केल भी कर देता हूँ लाइक दिस थ्री प्रेस करूँगा और ये वाला फेस सेलेक्ट करना है हमने इसे मैं करता हूँ इंसर्ट आई गेस यहाँ तक ओके okay. उसके बाद हम इसे दोबारा से इंसर्ट करेंगे यहाँ तक सो दैट्स गुड ओके अब मैं इमेज पे देखता हूँ तो अगर आप इमेज पर देखें तो अब ये खैर थोड़ी ब्लर सी है लेकिन अब मुझे जो समझ आ रही है वो है किधर की इमेज ये रही है. यानी ये मेटल है और लेकिन जो मिरर है ना शीशा वो बाहर आ रहा है यानी ग्लास जो है सॉरी वो बाहर बाहर की तरफ आ रहा है मेटल से ज़्यादा ऊपर है तो अगर मैं इसे करना चाहूँ बाहर यानी समथिंग लाइक दिस लेकिन वो इस तरह नहीं है सो हम ऐसे करेंगे कि इन सब को एक्सट्रूड करके देखते हैं यस yes, एक्सट्रूजन भी हम कर लेते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव समथिंग लाइक दिस इसे मैं थोड़ा सा स्केल भी कर देता हूँ स्केल डाउन ये बहुत ज़्यादा स्केल डाउन हो गया ज़ीरो पॉइंट नाइन फिफ्टी ओके दिस इज दिस इज़ बेटर तो अब ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा सैमसंग का यस yes. यप ओके नाइस रिजल्ट आई एम हैप्पी विद इट अब ज़रा मैं दोबारा अगर मैं इमेज ओपन करके देखूँ ओके तो अब हमें इस पूरे फेस को सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ अब हमने थोड़ा सा काम इसके अंदर करना है हाँ खैर हम इसके अंदर थोड़ा रफली से काम करेंगे क्योंकि अंदर ज्यादा नजर नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे सेलेक्ट करू और एक इन, मतलब अंदर को से एक करना है ये बाहर वाला फेस नहीं है अंदर वाला है अब देखें अब हमें तरह पता नहीं चल रहा ये देखें अब पता है इस तरह चल नहीं रहा कि किधर अंदर है कि बाहर है सो फॉर देट आई एम यूज कैविटी कैविटी आई जस्ट लव कैविटी बहुत जबरदस्त किस्म की एक है ऑप्शन अब जब आप इसे करेंगे क्लिक कैविटी और इसको मैं कर देता हूँ फुल अब आप देखें अब थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है हर जो एक एक आप कह सकते हैं कॉर्नर हाईलाइट हो गया है ऑल राइट ओके सो अब जब ये सेट हो गया है एवरी थिंग गुड नाउ बैक टू वर्क अच्छा मैं जो इमेज में देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बाहर है बिल्कुल हल्का सा यानी फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन यप और ये कितना छोटा है मुझे देखने दें ज़रा ओके okay. ये इतना छोटा है ओके उसके बाद ये एक स्टूड है वाई पे, काफी ज्यादा स्केल डाउन है समथिंग लाइक दिस और फिर एफ टू फिल, थोड़ा सा पीछे मैं देखता हूँ कितना और पीछे करना है समथिंग लाइक दिस बस यही सही है और आई गेस मैं टू प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो दिस सो अब आप देखें कि ये बहुत सही अच्छा सा लग रहा है एच दबा देते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा लेंस यानी बाहर हो वेट अ मिनट थोड़ा सा बाहर ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन ही सही है अब yeah. ये क्या हुआ ये भी थोड़ा सा बाहर करना चाहता हूँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन ओके ही भी सही है ऑल राइट right. तो अभी मैं इसे डुप्लीकेट नहीं करूँगा क्योंकि फिर हमें अभी टेक्सचरिंग और वो सारा कुछ भी करना है खैर टेक्सचरिंग आई गेस मैं उतनी डिटेल में ना आ जाऊँ इस ट्यूटोरियल में लेकिन स्टिल अब देखिए ये अभी थोड़ा लो पॉलिस है, लेकिन हमने अभी सब डिवीजन मॉडिफाई वो सारा कुछ एंड पे होगा अभी हम रफली सिर्फ चीजें करें ओके अब आप यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा कैमरा एक और है लेकिन ये इनसे डिफरेंट है अब यहाँ ब्लू प्रिंट में भी तो सेम दिख रहा है लेकिन पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ कि अब देखें ये इसकी वॉल बहुत ज़्यादा मोटी सी है और इसकी बिल्कुल थिन सी है तो हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे लेकिन इसके जो साइड पे है वॉल आप कह दें वो बिल्कुल पतली सी है तो मैं ऐसे करता हूँ स्केल डाउन मैं इसे थोड़ा ज़्यादा मैंने अपना वाले में थोड़ा ज़्यादा स्केल डाउन करना है क्योंकि इतना सही नहीं लग रहा ओके अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और स्केल डाउन होने के लिए बिल्कुल सही है और मैं इसे कर लेता हूँ समथिंग लाइक एस शिफ्ट वाई पहले आपने करना है वरना ये वाई एक्सिस पे भी स्केल होएगा एस शिफ्ट वाई और मैं इसे इतना स्केल डाउन करूँ आई गेस मैं इसे कर लेता हूँ ज़ीरो पॉइंट एट फिफ्टी और इसे भी ज़ीरो पॉइंट एट फिफ्टी नहीं ये बहुत कम है ज़ीरो पॉइंट नाइन भी नहीं ज़ीरो पॉइंट एट सेवेंटी इज़ गुड ज़ीरो पॉइंट एट सेवेंटी ये मैंने नाइन लिख लिया यहाँ पर ओके नाउ दिस इज़ नाइस अब मैं थोड़ा सा इस को अंदर कर देता हूँ अंदर की तरफ बिल्कुल हल्का सा माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू इसे लेकिन थोड़ा सा बाहर करते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फाइव ओके अब देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी ये थिन भी हो गई है ओके अब हम कुछ और बनाते हैं यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लैश हो गया ये भी सिंपल है थोड़ा बहुत सिंपल है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और राइट ये मैंने कर दिया ये भी सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो मैंने नोट किया है कि ये यहाँ से बाहर है इसे मैं कर देता हूँ अंदर ये अंदर नहीं हुआ अब है ज़ीरो माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन ये इस वीडियो में माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन बहुत ज़्यादा है लेकिन चले कोई बात नहीं वैल्यू ही हमें वही चाहिए और राइट कंट्रोल दबाते हैं ओके okay, कैमरास भी हो गए अब वो फ्लैश बना रहे थे हम अब मैं इसे करता हूँ डुप्लिकेट शिफ्ट प्लस डी मैं इसे लाता हूँ ऊपर की तरफ और स्केल डाउन कर देते हैं हम इसे समथिंग लाइक दे तो अब मूवमेंट जब परफेक्ट हो गई है बेशक परफेक्ट ना हो बस थोड़ी रफ़ हो गया उसके बाद ये मैं सेलेक्ट uh, करूँगा पूरा लूप और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा समथिंग लाइक दिस उसके बाद एक्स एक्सेस पे जाके आप देखें ये दोनों सही अलाइन नहीं है तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा एस वाई जीरो like this. और मैं इसको अंदर की तरफ भी कर देता और राइट इट्स नॉट एक सेकेंड ये क्या हुआ जस्ट ओके okay, सही हो वाई e अब देखिए जब मैंने ये किया तो ये गलत इसलिए हो क्योंकि स्नैपिंग अभी भी ऑन है तो स्नैपिंग को जब आप ऑफ करके इसको एक्सट्रूड इनसाइड करेंगे और फिर सेलेक्ट करें और फिर एस वाई जीरो और उसके बाद दोबारा से जब अंदर करें नाउ एवरी थिंग इज गुड एज न्यू ओके सबसे पहले तो मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा यानी पतला है बहुत ज्यादा पतला है तो इसको मैं कर देता हूँ मे बी जीरो पॉइंट नाइन सेवेंटी या इट्स परफेक्ट ओके okay, उसके बाद मैं कंट्रोल आर लुक कट ऐड करूँगा वाई एक्सेस पर लेके जाके एफ प्रेस करूँगा ये फ़िलहाल के लिए हमारी फ्लैश है यानी फॉर एग्जांपल अभी हम इसे कैसे यानी वो वाली शेप दें जो कि होती है फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ मैं बार बार फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल बोलता हूँ इसको दूसरी स्क्रीन पे ले आते हैं ओके okay, तो अब जो हम वैसे ट्राई करते हैं एक चीज़ इसको मैं करता हूँ एक सेकेंड ये क्या है एक सेकेंड मुझे ये नहीं चाहिए एक्स डिलीट फेस इसको मैं टू सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल एक्स ओके अब देखिए ये यहाँ पर भी आ रही है नो अब सही है हाँ अब सही है ओके तो अब एक बार मैं अगर इसे इंसर्ट करूँ फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस ओके डेप्थ को मैं करता हूँ ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव फिर इंसर्ट करते हैं फिर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव फिर इंसर्ट करते हैं इस तरह हमने करते जाना ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ओके अब आप देखें कि ये इस तरह का कुछ बना है सुननाओ so अब मैं इस थ्री दबाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा फिर शिफ्ट ऑल्ट ये शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट और ये हम सेलेक्ट करके एक स्टूड में आउट करूंगा समथिंग लाइक दिस मे बी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फ़ाइव ओके सो अब इसने वो शेप जो है पिक कर लिया आई गेस मैंने एक बार और करना है यानी दो तीन बार ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव आई गैस ये इसको मैं एक बार और करके ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव और अब मैं इसे भी कर लेता हूँ एक्सट्रूड और कितना हमने किया था ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फ़ाइव तो अब इसने वो शेप ले ली है जो यानी होती है फ्लैश की अच्छा मैं इसको थोड़ा और बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकालते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 अगेन ओके इज आई गेस नाइस और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा पीछे यानी तकरीबन इतना माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव या फिर सेवन फाइफ की जगह सेवन सिक्स ज़्यादा बेहतर है सिक्स ओके सो विदाउट दैट सेट अब हम कुछ और करते हैं यानी अब ये सारा कुछ हो गया ओके okay, तो अब ये भी बन गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि है ये आई गेस ये सिंपल सा है सर्कल वर्ल्ड uh, को हमने करना है अलाइन टू व्यू ताकि जिस व्यू में भी हम हो ये उसी व्यू पे अलाइन हो जाए ऊपर लाना है स्केल डाउन करना है और इसे मैं करता हूँ रफली स्केल समथिंग लाइक दिस सबसे पहले तो मैं इसे रफली एक्सट्रूड कर देता हूँ लाइक माइनस जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो सेवन ओके उसके बाद मैं इसे करता हूँ शेड ऑटो स्मूथ और इसे मैं तकरीबन यहां तक ले आता हूँ अब जब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो अभी नहीं हो रहा लेकिन जब मैं फास्ट पे करूंगा तभी हो जाएगा तो मैं इसे करता हूँ अप्लाई और इसे करता हूँ डिलीट लेट सी टोपोलॉजी हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है और हम ले आते हैं इसे पीछे बिल्कुल हल्का सा समथिंग लाइक दिस इसकी स्केलिंग देखते हैं क्या सही है yep. so यहाँ पर जो होते हैं और यहाँ पर उसके अलावा सारा कुछ हो गया अब मैं इसे एडिट मोड में लेके जाऊंगा लाइक दिस अभी तो रफली आप करें अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसे अच्छा बनाते हैं ये इसको पहले सेलेक्ट करें एस जी और बिल्कुल ज़ीरो पे कर दें ज़ीरो आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा इसकी जेड एक्सेस पे कोई भी लोकेशन या रोटेशन नहीं होगी सॉरी रोटेशन लोकेशन नहीं उसके बाद ये मैं एक्स एक्सेस ना ही मैं एस एक्स दबाऊँगा और बिल्कुल ज़ीरो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया अब आप नोट कीजिएगा इस पे एस एक्स जीरो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया सो वी नीड दैट और ये बहुत जबरदस्त वे है इसमें टोपोलॉजी भी बिल्कुल सही है अच्छा अब मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा बल्कि पी सिलेक्शन कर देते हैं डुप्लीकेट नहीं करना एंड नाउ यू कैन सी अब ये ज्यादा अच्छे हो गए अब अगर मैं इसे करूँ एक्सपोर ओके अब अगर मैं इमेज अगर मैं ओपन करूँ ये वाली वेजेड ये रही तो इस पर आप गौर करें तो नीचे तो बेवल मतलब सही है यानी देखें है लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊं तो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है नीचे से दैट्स बिकॉज क्योंकि यानी दूसरी इमेज में ओपन करूं तो यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट तरह की यानी मैटर है ऊपर तो मैं ये करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कर देता हूँ ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया ज़ीरो फिर मैं थ्री प्रेस करूंगा ये पूरी एड सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करूंगा पी सेलेक्शन अगर मैं इसे एफ दबा के फिल कर दूँ और कंट्रोल आर टू तो एड लूप कट एंड कंट्रोल बी टू तो बेवल इट विद नो सेगमेंट्स हल्का सा बेवल करना ज़्यादा नहीं उसके बाद अगर मैं इसे कर दूँ नीचे ओनली वन स्टेप माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो फाइव आई गेस इट्स वेरी गुड आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो गया मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा छोटा हो जाए सो so, अब मैं इसे कर दूंगा छोटा आप देखें जब ये ऑन था तो अब ये दोनों स्नैप हो गए हैं मर्ज हो गए हैं सो चलिए सही है मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा स्केल वाई एक्सेस पे थोड़ा सा स्केल करता हूँ लाइक वन पॉइंट नहीं वन पॉइंट ज़ीरो वन और एक्स एक्सेस पे भी वन पॉइंट ज़ीरो वन इज़ दैट गुड और नहीं नहीं इट्स नॉट गुड 1.001 ओके नाउ आई गेस इट्स बेटर अब हम एक बार देखते हैं कि अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करके एक साथ बेबल करूं इसे भी सिलेक्ट करना है और इसे भी सेलेक्ट करना है कंट्रोल ऑल्ट बी और मे बी थ्री सेगमेंट्स के साथ या फिर फाइव प्रॉब्लम तो आ रही है वो आई कैन सी दैट अच्छा मैं यहाँ परिफाइन मॉडिफायर लगाना फिर से बोल गया ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फाइव ओके दैट्स नाइस अगर मैं इसे करूँ माइनस माइन नहीं बस पॉजिटिव सही है माइनस टू इसे माइनस वन के बजाय माइनस वन पॉइंट फाइव कर दीजिएगा ओके इट्स इट्स नाइस इट्स नाइस मैं इसे करता हूँ माइनस वन ही सही है फिलहाल के लिए क्योंकि अगर मैंने इसे कर दिया तो फिर इसका क्या होगा ओके अब मैं इस पर भी लगाता हूँ नहीं इस पर आई गेस मुझे ज़रूरत है कि नहीं मैं अगर इसको अंदर की तरफ करूँ यानी समथिंग लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 फाइव ओके आई गेस हमें इसे ट्वेंटी देने की ज़रूरत नहीं है बस मैं इसे एक स्टेप आगे की तरफ कर देता हूँ माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन यस यस नाइस ओके सो ये हो गया हमारा डन अब हम आते हैं इसकी तरफ सर्कल की तरफ ये भी आई गया इसी तरह बनाना है हमने बस मैंने क्या करना है के और इस तरह करना है सिंपल अभी तो खैर ये बहुत ज़्यादा रफ़ है लेकिन अभी आप मैजिक देखें ये हो गया राइट क्लिक लूप टूल्स अगर आपके पास लूप टूल्स नहीं हैं तो एडिट में जाएं प्रेफरेंसेस में जाएं और यहाँ सिंपली लूप टूल सर्च करके इसको चेक करके सेव प्रेफरेंसेस कर लीजिएगा राइट क्लिक लूप टूल सबसे पहले तो हम सर्कल्स पे क्लिक करते हैं ये परफेक्टली सर्कल बन गया उसके बाद रिलैक्स नहीं रिलैक्स नहीं सॉरी स्पेस अब यानी हर उसके अंदर इक्वली स्पेस है और अब मैं कर लेता हूँ पी पी सेपरेट ओके okay. सो so, यहाँ से तो मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ क्रॉस कंट्रोल एक्स डिसॉल्व अगर आपने करना हो तो आपने कंट्रोल एक्स जो है दबाना है उस वर्ड को सिलेक्ट करके लेकिन कभी कभार कंट्रोल एक्स काम नहीं करना करता किसी में ओके आई गेस मैं इसे दूंगा सोलडीफाई मॉडिफाई इसे मैंने दिया हुआ नहीं दूंगा बल्कि बल्कि आई गेस देना चाहिए मुझे और इसको थोड़ा अगर मैं बढ़ा दूँ माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन एक स्टेप पीछे लाइक ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 टू और इसे माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 थ्री और राइट देट्स नाइस ओके आई गेस अगर मैं इसे सब डिवाइड करूँ और सर्कल पे क्लिक करूँ तो ये ज़्यादा इस पर राउंड ये ज़्यादा हो जाएगा सो आई लाइक दैट ओके आई गेस दिस इज़ नाइस ओके जो लास्ट पार्ट है हमारे फ़ोन का वो ये है तो आई गेस इस पर भी मैं सेम यही करूँगा के सिंपली बस के फ़िलहाल के लिए सिर्फ हम करते हैं ऐसे ओके okay. अब मैं इसे कर दूंगा ओके okay. अब मैं इसे कर दूंगा एक्सट्रूड अपवर्ड्स कंट्रोल आर कंट्रोल बी समथिंग लाइक दिस वुड वर्क ओके इट्स नाइस अब हम करेंगे बह नहीं सिर्फ ए को पूरे फ़ोन को नहीं तो कंट्रोल बी नो अच्छा इस दोनों को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा स्केल डाउन इस और इस पूरी एच को कर देता हूँ कंट्रोल बी लाइक दिस ओके शेड और दो स्मूथ लाइक दिस ओके अब हम एक एच वैसे यहाँ पर भी ला सकते हैं यानी इस तरह इस तरह फिर इस तरह और यहाँ पर ओके okay. और इन दोनों को सिलेक्ट करके एस वाई ज़ीरो लाइक दिस इन फिर थ्री दबाएंगे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे हल्का से मैंने एक स्टूट करना इन्हें वैसे ही पता नहीं मेरे जहन में कोई नया आइडिया है एक इन करें एक स्टूड आउट एक इन सही है बिल्कुल हल्का सा सही है नॉट टू मच दिस इज लाइक वे टू मच बिल्कुल इतना जस्ट वैसे ही मुझे वैसा ना बस वैसे ही ओके शेड ऑटो स्मूथ सही है, हुआ हुआ है और राइट मैं समझ रहा हूँ शेप को समझ रहा हूँ इसको हम करते हैं थोड़ा सा एक्स एक्सेस पे साइड पे वो इसे हम करते हैं थोड़ा सा करीब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि वहाँ से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये देखिए और राइट ओके यहाँ पर भी मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा एक्स एक्सेस पे सेम ओवर हियर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा एंड वट इज़ दिस ओके नाइस चलें हो गया थ्री इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कर देते हैं हम अच्छा मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ और वाई एक्स पे इन्हें थोड़ा सा इधर कर देता हूँ क्योंकि जब हमने इनको छेड़ा है तो ये भी हिलेंगे और ऊपर भी मैं कर देता हूँ चलें अब मैं पहले सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस तो गाइज अब आप यहाँ पर डुप्लीकेट कर दें इस लाइट को सॉरी कैमरे को और फिर आपका बिल्कुल डन डना डन डन इसको मैं कर देता हूँ शिफ्ट डी Z एक्सेस पे नीचे की तरफ ले आते हैं हम इसे लाइक राइट और हीर इसको भी डुप्लिकेट और राइट और हीयर एंड लास्ट जो चीज़ मैं भूलने वाला था लेकिन मैं नहीं भूला एक यूवी स्फर शेड स्मूथ वाई एक्सेस पे छोटा ऐसे भी छोटा इसे मैं लाता हूँ यहाँ पे और भी छोटा करते हैं हम इसे तकरीबन इतना छोटा करना है हमने और मैं इसे यहाँ मिडल में ले आता हूँ ओके okay, उसके बाद सिर्फ हमने इसे सही तरह रखना है राइट ओवर हियर अगर मैं इसे हाइट करूँ एच टू हाइड ओके ये बिल्कुल सही है मैं इसे थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले आता हूँ वेर इज़ ये रहा थोड़ा सा और पीछे बस अब मैं इन इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इस शिफ्ट इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ये नहीं करूँगा बाद में फिर आप लोगों ने मटेरियल्स भी करेंगे लेकिन बस मैं इन्हें डुप्लीकेट करूँगा वरना मैं कंट्रोल जे करता लेकिन आई विल नॉट डू इट शिफ्ट डीम और इसको भी ऊपर ले आए ओके एंड नाउ योर फ़ोन इज़ रेडी यू कैन सी कितने ज़बरदस्त किस्म का फ़ोन बना है ऑल्ट एच दबा देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि अन हाँ हो जाए ये देखें अंडर डिटेलिंग एंड एवरी थिंग एच एंड एवरी अच्छा मटेरियल्स में आपको सिंपल से समझा लेता हूँ ये आप यहाँ पर कोई रफली प्लास्टिक टाइप कर दें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इमेज में दिखाऊँ ये वाली अगर मैं इमेज ओपन करूँ ओके तो अब आप देखें यहाँ पर मेटल भी आप कर सकते हैं खैर इस पर सही है मेटल भी कर सकते हैं लेकिन आप प्लास्टिक की भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप यानी यहाँ थोड़ा प्लास्टिक ही टाइप कर दें प्लास्टिक ना करें लेकिन सॉर्ट sort ऑफ़ of, सही है यानी सॉर्ट ऑफ और यहाँ आप मेटल कर दें अच्छा यहाँ भी मेटल कर दें लेकिन यहाँ मेटेलिक और रफनेस थोड़ी कम करनी है और यहाँ थोड़ी ज़्यादा करनी है सही है और ये आप टेक्सचरिंग देख लें इसके साइड पे फुल ग्रे यानी शाइनी मेटल है अंदर बिल्कुल सिंपल सा बस डार्क ब्लैक कलर है और बीच में बॉल जो है वो ब्लू और शाइनी कलर है ये तो बहुत सिंपल है इस पर सिर्फ आपने वाइट कलर ऑफ वाइट कलर दे देना है सही है सो आई गेस डेट एट और अगर हाँ आपने कोई लाइंस ऐड करनी है यानी कोई लाइंस ग्रे कलर की हों ग्रीन कलर में तो वो भी अच्छा लगेगा वो मैं वो बहुत सिंपल है लाइन्स फॉर एग्जांपल कंट्रोल आर मैं दबाऊंगा नॉट ओवर हेयर मैं बस यहाँ पर के यूज़ करके आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि मैं किन लाइन्स की बात कर रहा हूँ ये मैंने अभी रफलीज बनाई है फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है ये देखिए ये लाइन है इसे आपने कर देना है ग्रे कलर का और ये बाकी ग्रीन मटेलिक होगा और ये प्लास्टिक होगा ये सही है ये प्लास्टिक की टाइप ग्रे कलर होगा तो इस तरह की लाइंस आप अपने ऑल ओवर द फोन कर सकते हैं सो आई गेस आपको आज के ट्यूटोरियल में कुछ सीखने को मिला होगा लेट्स गो टू द आउट्रो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजा की लगी होगी क्योंकि इसमें हम दोनों का फेवरेट मोबाइल बना है आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को भी मिला होगा मॉडलिंग या कोई भी न्यू टिप सीखने को मिली होगी सो so, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और गई मुझे कॉमेंट करना है कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ अल्लाह हाफिज़